नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। ये मध्य इंदौर से आया प्लान मेरे पास। ये पश्चिमुखी घर है, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। ये यहाँ सेप्टिक टैंक बनाया है उन्होंने, और यहाँ कार पार्किंग रखी है, एक दो कार आ जाएंगी। यहाँ पर बैठक में जाने का रास्ता इन्होंने डाइनिंग रूम में उत्तर वायव्य में रखा है। देखिए ये तो बिल्कुल सही जगह है, यहाँ पर पश्चिम वायव्य का द्वार है तो बिल्कुल सही बात है। पर ये जो है डाइनिंग रूम, तो ज़्यादातर मेहमान क्या होता है, सीधे आते हैं डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। उत्तर वायव्य का द्वार अच्छा नहीं होता है, ये विवाद लाने वाला, कलहकारी, मतलब कलह होती है ना, विवाद की स्थिति पैदा करता है। ये मेन डोर नहीं, यदि मेन डोर होता, यदि ये मेन डोर ना होके ये मेन डोर होता उत्तर वायव्य का, तो ये प्रवेश द्वार जो है दुखदायी, कलहकारी, वैरभाव, मुकदमेबाजी और बदनामी लाने वाला था। पर ये मुख्य द्वार सही है, ये इसका द्वार है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें कि बस विवाद वाली स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये गलत है, इसको यहाँ बनाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ बना देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यहाँ बना दें, और नहीं तो यहाँ बना दें, ठीक। इसका ये द्वार ठीक है, ये इनका बेडरूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है बेडरूम में यहाँ से आके तो यहाँ पूजा है, और ये देखा जाए तो दक्षिण दक्षिण में ये दक्षिण निरुत की तरफ जा रहा है। ये द्वार थोड़ा इधर खिसकना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये गलत है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक है, यह बन सकता है ये। पर यहाँ इन्होंने जो टॉयलेट, ये सेप्टिक टैंक बना दिया इन्होंने यहाँ पर वायव्य कोण में। अब ये हो गया उत्तर वायव्य, यहाँ सेप्टिक टैंक बना उत्तर वायव्य। उत्तर वायव्य में यदि सेप्टिक टैंक बनता है, गड्ढा बन गया वायव्य का, ऐसी स्थिति में घर की स्त्रियाँ सुख शांति से वंचित होकर, मतलब रहती हैं तो घर से बाहर रहना पसंद करती, घर उनका मन नहीं लगता है। अब इन्होंने ये बनाया है पार्किंग, और यदि यहाँ एक दो स्टेप दे दी तो ये हिस्सा नीचा हो जाएगा, तो फिर पश्चिम वायव्य भी नीचा हो गया। अब पश्चिम वायव्य नीचा होगा तो यहाँ रहने के बाद इनको, यहाँ रहने वालों को आर्थिक कष्ट, अकारण शत्रुता, कोर्ट कचहरी इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए, पार्किंग बनाते वक्त इसका फ्लोर लेवल इस घर के बराबर रखते हुए बाहर से रैंप देना चाहिए, ताकि रैंप से गाड़ी आ जाए फिर फ्लोर लेवल इतना हो। एक और इनको चाहिए सेफ्टी टैंक, इस टॉयलेट के इधर कहीं बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ बना लें, यहाँ सेफ्टी टैंक ना रखें। इसके बाद पूजा को इनको थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, दरवाज़ा आगे खिसक सकें, ऊपर जाने के जीना बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इनका जो है पूर्व साथ मिलकर पूर्व अग्नि बढ़ रहा है। अब पूर्व के साथ पूर्व अग्नि बढ़ रहा है प्लाट का, बाकी तीनों दिशाएँ ठीक है। इससे क्या होगा कि दो बातें होंगी, इससे अकारण विवाद की स्थितियां बनेंगी, जो घर में रहेंगे उनमें आपस में विवाद होंगे, और घर के बाहर वालों से भी विवाद होंगे इनके पूर्व में। और दूसरा, इनकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी यहाँ रहते हुए, क्यों, किसान दब गया इस चक्कर में। इनको चाहिए इसको सीधा करें, सीधा कर इसको बराबर करें। और दूसरा, किचन इनका ईस्ट तक आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक किचन आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ वाश आ गया। अब किचन ईस्ट में आएगा, अग्नि कोण में किचन तो शुभ होता है, ठीक है ना, पर ईस्ट में किचन आता है तो घर की मालकिन के पास सब कुछ होते हुए नाखुश रहती है, उसे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, पित्त की शिकायत होती है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये गलत है, इनको चाहिए किचन को बस इतना बना, ज़्यादा बड़ा ना रखे, छोटा करें किचन को, यानी अग्नि कोण तक ही रहे बस, यानी पूर्व अग्नि तक ही रहे, इसके आगे ना निकले। अब इनने किचन से यहाँ से आके, किचन से यहाँ आके अंदर आके स्टोर का रास्ता दिया है। अब ये किचन के पार्ट हो गया, क्योंकि किचन में से ही रास्ता है, इसको और कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब किचन में ज़्यादा खाने का सामान रखा हो या किचन के साथ अटैच जिस तरह स्टोर हो, तो घर के लोगों को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और कमाया हुआ कोई ऐसे हालात बनते हैं, ऐसी सरकमस्टेंसेस बनते हैं, सब हाथ से फिसल जाता है। तो इनको चाहिए कि स्टोर को जो इस तरीके से सेट करें कि और कहीं बना लें, कोई जगह इसको, यदि किचन को इस तरह लंबा करेंगे तो ही कोई बात बनेगी इनकी, तो इसकी प्लानिंग फिर से इनको करना होगी। और इधर जो है वाश, इसको इस तरीके से करें कि वाश एरिया इधर आ जाए, इस पर पूरे प्लानिंग करना पड़ेगी इसकी पूरी। और इसको तो सीधा करना, सबसे पहली बात इसको सीधा करना चाहिए, यानी इसको इस तरह सीधा कर दें ये, और ये इसको ओपन टू स्काई कर दें ताकि हवा रोशनी पूरी आती रहे, है ना। और ये सेप्टिक टैंक को इधर कर दें, ये दो, इस दो से शुरुआत करें, इसके बाद फिर अंदर की प्लानिंग करें, ये दो बहुत ज़रूरी है। तो ये करेंगे तो निश्चिंत का जीवन यहाँ आने के बाद सफल, सुखद रहेगा,
पर यदि इस स्थिति में आ गए तो स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती जाएंगी घर की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।